नमस्कार एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोटा पुलिस ने विवाहिता की हत्या का किया खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। गृह क्लेश के चलते की थी पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर की हरिओम इंडस्ट्रीज में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। 22 दमकलों की मदद से पाया आग पर काबू। झालावाड़ के सुनेल में मासूम के साथ दरिंदगी, युवक ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। पीड़िता के पिता ने दर्ज करवाया मामला। धौलपुर के मांकरा गांव में लाठी भाटा जंग, जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नसीराबाद में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, मरीजों पर भारी। डॉक्टर की लेट लतीफी के चलते नहीं मिल रहा मरीजों को इलाज, चिकित्सा प्रभारी ने स्टाफ पर लगाया मनमानी का आरोप। कोटक के कुनहाड़ी थाना इलाके में एक निर्दयी पति ने महज इस बात के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया कि पत्नी उसकी बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन हत्यारे पति का ये जुर्म छुप नहीं सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बरड़ा बस्ती में एक मकान में खून से लथपथ महिला का शव मिला था। इस मामले की पुलिस जांच में सामने आया था कि मृतक महिला तमन्ना की शादी सुल्तानपुर निवासी यूनुस से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। ऐसे में हत्यारे पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी और बच्ची को लेकर गांव सुल्तानपुर चला गया, लेकिन मृतका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर स्थित हरिओम इंडस्ट्रीज में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। क्षेत्र के लोगों और वहां आसपास काम कर रहे श्रमिकों ने भी आग बुझाने में सहायता की। नगर निगम की 22 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भीलवाड़ा के रिको फेज 3 में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे दमकलों की 6 गाड़ियों ने 8 घंटे बाद काबू पाया। वहीं जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने फैक्ट्री पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 24 घंटे तक फैक्ट्री और गोदाम में कोई भी श्रमिक या मालिक प्रवेश न करे। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के मांकरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं झगड़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां
कई घायलों की नाजुक हालत होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गांव के दो परिवार राजू सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह के मध्य लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन एक पक्ष खेत में खड़ी सरसों की फसल को परिवार सहित काटने पहुंच गया, जहां दूसरे पक्ष के एक दर्जन से अधिक लोगों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने घायलों को मेडिकल करवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। झालावाड़ के सुनेल में एक वहशी दरिंदे ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मामला गांव कालियाखेड़ी का है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। थानाधिकारी भंवर सिंह गुर्जर ने बताया कि कंवर लाल भील ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर भरतपुर के डीग में दुकान बंद कर जा रहे सर्राफा व्यवसायी पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने युवक को भी पीट कर घायल कर दिया। एएसपी अनिल कुमार मीणा ने बताया कि सर्राफा व्यवसायी अनिल कुमार सोनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, इसी दौरान अमित नामक एक युवक ने धारदार हथियार से उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया, जिसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने भरतपुर रेफर कर दिया। वहीं लोगों ने कहा कि मामला रंजिश का लगता है। भीलवाड़ा के भगवानपुर कस्बे में विवाहिता की कीटनाशक पीने से मृत्यु हो गई। उपचार के दौरान भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मांडल थाने के एएसआई अभय सिंह ने बताया कि विवाहिता पूजा गोस्वामी ने खांसी की दवा समझकर कीटनाशक को पी लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ इलाज के दौरान विवाहिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अजमेर के नसीराबाद में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। उपखंड के एकमात्र 150 बेड वाले राजकीय सामान्य चिकित्सालय में कई दिनों से मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। मरीजों ने बताया कि डॉक्टर समय पर सीट पर नहीं आते हैं, जिसके चलते घंटों तक लाइन में बैठना पड़ता है। आपको बता दें कि चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही के चलते ज्यादातर चिकित्सक छुट्टी पर रहते हैं। वहीं चिकित्सालय में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर एन माथुर का कहना है कि व्यवस्था में सुधार लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सालय स्टाफ मनमानी पर उतारू रहता है। इसकी शिकायत आला अधिकारियों को कर दी गई है। भीलवाड़ा के आदिवासी अंचल शाहबाद में ग्रामीण इलाकों में महिला पुरुषों में धूम्रपान का शौक परवान चढ़ता नजर आ रहा है। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक इस नशे की लत के शिकार हो चुके हैं और खुले में महिलाएं धूम्रपान करती नजर आती हैं। कई बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाकर नशे से होने वाली घातक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने में लगी है, लेकिन आदिवासी अंचल में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इलाके में धूम्रपान करना महिलाओं का शौक बन चुका है। पुरुष भी धूम्रपान की बुरी आदतों में जकड़ कर उनके शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र में कई लोगों की जानें भी चली गई हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन भी शाहबाद क्षेत्र में नशा केंद्र खोलने में नाकाम साबित हो रहा है। लोगों ने क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग की है, ताकि आदिवासी अंचल के लोगों को नशे की लत से छुटकारा मिल सके। भरतपुर के हलेना में बाण गंगा नदी से निकलने वाली लहरें अतिक्रमण की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं।
जहां रसूखदार लोगों ने कच्चे पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते क्षेत्र में बने पुलिया भी क्षतिग्रस्त हैं, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन फिर भी सिंचाई विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है, जिससे किसानों में प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 805वें सालाना उसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने कमर कस ली है, जिसके लिए आईजी मालिनी अग्रवाल ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए कि विदेश से आने वाले जायरीनों को सुरक्षा के साथ दरगाह में जियारत करवाएं। आपको बता दें कि ख्वाजा के 805वें उर्स में 4,500 पुलिस अधिकारी और जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। पहली बार ड्रोन से पूरे दरगाह के और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नजर भी रखी जाएगी। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे के ममोधन में अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में से करीब 100 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपनी जोर आजमाइश की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश मरैया ने कहा कि मल्ल विद्या भारत की प्राचीन विद्या है और इसका संरक्षण होना चाहिए। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी अस्पताल से नर्सेज कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में नर्सिंग कर्मियों ने मुख को स्वस्थ रखने के बारे में जानकारी दी। रैली को प्राचार्य एसपी आगेवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर के मेड़ता सिटी में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास ने मीराबाई और चारभुजानाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर ट्रस्टी मधुसूदन जोशी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने न्यायाधिपति व्यास को मीरा का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। अलवर जिले के शाहजहांपुर क्षेत्र में मुर्गी पालन फार्म में अज्ञात कारणों से आग लग गई। एडेलको ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पीछे स्थित राजकुमार यादव का मुर्गी फार्म था। फिलहाल इसमें मुर्गी पालन नहीं हो रहा था, लेकिन पशुओं का प्रचुर मात्रा में चारा और कृषि सिंचाई पाइप भरे हुए थे। आग की सूचना पर शाहजहांपुर पुलिस पहुंची। नीमराना रिको की दो दमकलों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जोधपुर के महापौर घनश्याम ओझा के निवास पर ठेके पर लगे वार्ड संख्या 3 के सफाई कर्मियों ने धरना दिया। उनकी मांग है कि ठेकेदार समय पर उनका वेतन नहीं दे रहा है, जिससे उनका जीवन बसर करना मुश्किल हो रहा है। महापौर का कहना है कि संविदा के माध्यम से सभी जगह सफाई कर्मचारियों को लगा रखा है। अभी वार्ड नंबर 3 के संविदा सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार समय पर भुगतान नहीं कर रहा है। इस संबंध में ठेकेदार को बुलाकर उसे पाबंद किया जाएगा। जोधपुर में राजस्थान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई है। उम्मेद राजकीय स्टेडियम में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण परंपरागत खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कबड्डी का मैच पाली और जैसलमेर के बीच हुआ। प्रतियोगिता में पुरुषों की आयु सीमा 18 से 25 और महिलाओं की आयु सीमा 15 से 25 के मध्य होगी। रस्साकशी एवं कुश्ती में आयु सीमा नहीं रहेगी। विकास प्रदर्शनी 28 से 30 मार्च तक सूचना केंद्र मिनी ऑडिटोरियम गैलरी में लगाई जाएगी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से टाउन हॉल में सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 30 मार्च राजस्थान दिवस पर वृहद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।
सिरोही के रेवदर कस्बे के भटाणा गांव में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वही कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। बाड़मेर के बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित चोच मंदिर के पास 7 दिवसीय होली फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर समापन पर गेर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने आंगी बांगी गेर नृत्य कर समा बांध दिया। वहीं इस मौके पर लोक गायक राजू माली ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।